तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं लूप में, और लूप में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फोर ईच लूप की। जैसे कि हमने बताया था आपको कि हमारे पास एक्सेल में दो तरह के लूप होते हैं, फोर, हम एक होता है फोर और दूसरा होता है हमारा ईच, राइट। फोर में हम बात करें तो यहाँ पे आई वन इक्वल टू वन टू में स्टार्टिंग टू एंड लगाता है, आई के जगह पे आप 10-20 दे सकते हैं। दूसरा आता है फोर इच, हम इच को ही करने जा रहे हैं। अब इच का यूज कब होता है, जो हमें एक फीचर को सिलेक्टेड सेल पे चलाना होता है। मान लीजिए कि सिंपल से एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दोनों लूप का कंपेयरिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ, राइट। जैसे हमने यहाँ पे दिया, अब मुझे इसको इसमें से जितने भी ग्रेटर देन 50 है उसको उठा के एक के नीचे करना है, तो उसको हम फोर लूप, फोर जो आई है उससे करते हैं और फोर लूप से भी करते हैं, राइट। बुक थ्री, तो मैं बुक थ्री पे आता हूँ और यहाँ एक मॉड्यूल्स को इंसर्ट करता हूँ, सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां देते हैं फोर आई चले इक्वल टू वन टू, कितना हमारा है 9, तो 9 रो हो गया हमारा। और फिर यहां पे नेक्स्ट आई कर देते हैं, उसके बाद यहां पे हम देते हैं कि फोर जे इक्वल टू चले 1 2, कितने कॉलन है, तो कॉलन है 2 2 4 2 6 7 कॉलन, 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कॉलन, यहाँ पे 7 हमने कर लिया, राइट। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट जे कर देते हैं, राइट सर। अब इसमें हम लिखते हैं कि इफ सेल आई कॉमा जे, आई को रो ले लिया, जे को कॉलम ले लिया, वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन हम यहां लिखते हैं रेंज, ओके, यहां पे के 65,000.xlsup.offset1,0.value इक्वल टू सेल आई कॉमा जे डॉट वैल्यू। अब मैं इसको यहां से रन करता हूं, माफ कीजिएगा, एंड हमने लगाया नहीं, यहां पे एंड इफ लगाना है। अब मैं इसको रन करता हूं, तो रन करते हैं, आपने देखा इसका पूरा डेटा निकाल दिया। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये हमारा फिक्स हो गया कि जितना डेटा है उतना पे ही चलेगा, या फिर मान लीजिए मैंने अपने लूप को अगर डायनेमिक भी कर दिया फिर भी आपका पूरा डेटा पे चलेगा ना सर। लेकिन एज पर माय रिक्वायरमेंट, जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हो, कॉपी मान लीजिए ना, अब तो एक सिलेक्शन एरिया को लेते हो फिर कॉपी करते हो ना, ऐसी बाउंडेशन तो नहीं है ना पूरी की पूरी सेल को कॉपी, पूरी की पूरी सीट को कॉपी कर रहा है, हम अपने बाउंडेशन के अकॉर्डिंग ही तो कॉपी करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट सर। यस सर। तो हम चाहते हैं कि सिलेक्शन के अकॉर्डिंग चले, जितना सिलेक्शन हो उतने अकॉर्डिंग चले, तो यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं आर आर ब्रैकेट आर आर स्लैश वन वन ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे देते हैं कि डिम R as a range, फिर लगाते हैं यहां पे कि फोर आई फोर नहीं फोर फोर एच आर इन सेलेक्शन, राइट। फिर नेक्स्ट आई, अब इसमें हम करेंगे कि इफ आर डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 50, हाँ सर नेक्स्ट आर होगा ना, हाँ नेक्स्ट आर होगा, ए मेरी मिस्टेक है, सॉरी, थैंक यू सर। देन हम यहाँ लिखेंगे रेंज ए
65,000 डॉट डॉट वैल्यू नहीं डॉट ये 65,000 डॉट ऑफसेट होगा ना एंड ऑफसेट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर डॉट वैल्यू और फिर यहां पे एंड कर देता समझे। तो इसमें क्या हुआ कि जितना मान लीजिए मैंने इतना ही सिलेक्शन किया है तो मेरा माइक्रो सिर्फ इतने ही एरिया पे चलेगा, जितना सिलेक्शन होगा उतने ही एरिया पे मेरा माइक्रो वर्क करेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल एक और एग्जांपल दूं इसका यूज हम लोग करते हैं बराबर, जैसे कि अगर आपने इन सिलेक्शन क्या बोले सर आपने जो कोड के अंदर इन सिलेक्शन लिखा ना फॉर आर इन सिलेक्शन वो इन सिलेक्शन जो है वो मेथड है मतलब वो ऐसे ही लिखना है जी। हमने यहाँ पे बताता हूँ आपको ये जो हुआ ये हुआ फॉर इच आर, आर जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है ये जरूरी क्या रेंज हो, ये वर्कशीट भी हो सकता है, शीट भी हो सकता है, ये आपका एरे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन तो आप अगर आपके पास कोई फिक्स रेंज है तो जी फिक्स रेंज दे दीजिए, वर्कबुक है वर्कबुक दे दीजिए। यहाँ पे मतलब कि आर जो रेंज है उसको किसके अंदर ढूंढना है इसका दिया जाता है। तो हमने बोला फॉर इच आर इन सिलेक्शन मतलब कि जो सिलेक्टेड एरिया है उसके हर एक रेंज को आर माना जाएगा, ठीक है सर। हेलो क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ ओके सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये हो गया हमारा। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे नाम है, अब मुझे इसको अपर में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेल के अंदर अपर का कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूला है। तो आपको अगर एक सिलेक्टेड एरिया को अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो एक एक सेल पे जाके आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, एक एक सेल पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम ऐसा कुछ कमांड बनाना चाहते हैं जिसको सिलेक्ट करे और हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो सेम चीज यहां कर रहे हैं हम। तो यहां पे सब्जेक्ट हम देते हैं यहां पे यू केस के नाम से, यहां पे सेम डिम आर एज ए रेंज फोर इच आर इन सिलेक्शन नेक्स्ट आर और यहां पे यू यहां पे आर डॉट वैल्यू आर यहां पे आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यू के आर डॉट वैल्यू, ठीक है सर, यू केस आर डॉट वैल्यू। अब इसको रन सिलेक्शन कीजिए, रन कीजिए या अच्छी शॉर्टकट बना लीजिए आपका अपर केस। एक मिनट यू केस यूके तो है सही है यूके एक मिनट यूके तो फॉर्मूला ये लेटेस्ट वर्जन तो नहीं है क्या? अब अपने सिस्टम में डालिए तो यूके यूके एल के दो फॉर्मूले थे ये अपडेटेड वर्जन में नहीं है क्या?
कैपिटल यू केस हाँ है मेरे यहाँ पे तो यू केस करके स्ट्रीम में दिखा रहा है। हेलो यू केस डॉलर है इसमें। हेलो हेलो बोलिए सुन रहा हूँ। सुजीत सर इसके जगह पे एसटीआर कन्वर्ट यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं लेकिन यू केस क्यों नहीं हो रहा है। एसटीआर कन्वर्ट तुम्हें देखना है ना सर यू केस आके हो क्यों रहा है यू केस। ओ माफ कीजिएगा मेरी मिस्टेक। यू केस नाम का हमने फंक्शन बनाया हो ये बनाया हुआ है माइक्रो बनाया हुआ है जिस कारण से इसको रीड नहीं कर रहा है। डन हो गया सिलेक्ट हो गया सर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा जिसका फंक्शन बना हुआ है उसको उसका फंक्शन बना के फिर इसको कॉल करेंगे तो माइक्रो ही कॉल हो जाता है सर। तो इस तरह यूज करते हैं। तो क्या हम ऑब्जेक्ट इसका फोर इज का यूज सिर्फ इसमें कर सकते हैं मतलब कि रेंज पे जो भी वर्कबुक में भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया सब मैंने यहाँ पे लिखा डिम डब्लू एज ए वर्क शीट ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दे रहा हूं कि फोर इच डब्लू इन एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक नहीं बुक डॉट वर्कशीट वर्कशीट मत कीजिएगा वर्कशीट कीजिएगा ठीक है ना। और डब्ल्यू जो वर्क बुक हो गया वर्कशीट इसे वर्कशीट करना था वर्क। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि वर्क सीट जो हम करेंगे वो वर्क सीट होगा वर्क सीट्स नहीं होगा ठीक है ना। नेक्स्ट डब्लू और मैं चाहता हूं हर सीट का नाम जो है वो डेटा 1 2 3 इस तरह से हो तो मैंने यहां पे आर इक्वल टू आर प्लस 1 कर दिया है क्योंकि इसमें इसमें तो काउंटर होता नहीं ना आई की तरह तो इसमें हमने कर दिया डब्लू डॉट नेम देखना सीट का सारा इवेंट आ रहा है इक्वल टू डेटा इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया आर को ठीक है। अब मैं रन करता हूं जी से गलत हो नेक्स्ट डब्लू डब्लू आएगा ठीक है जितने भी सीट का नाम हो गया। इस तरह से सीट पे भी वर्क कर सकते हैं वर्कबुक पे वर्क कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए वर्क कर सकते हैं एरे पे वर्क कर सकते हैं ठीक है ना। जैसे न्यू कलेक्शन पे एग्जांपल दिया था मैंने आपको उस पे इसको वर्क कर सकते हैं। तो आप लोग फोर इज का यूज करें और मुझे इसके तकरीबन 5 एग्जांपल बना के दे।